नमस्कार एवन न्यूज टीवी में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा। देखते हैं स्पेशल स्टोरी में क्या है आपके लिए खास। आज जो भारतीय जनता पार्टी का नाम पश्चिमी जिला में जन जन की जुबान पर है, उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो भाई साहब की कोरोना में दी गई सेवाएं हैं। जिसके पास हम जाते हैं, कभी भी भारतीय जनता पार्टी की सांसद जी की बात करते हैं तो कहते हैं सांसद जी ने जो ऋण हमारे पे चढ़ाया है कोरोना काल में, उनके और उनके परिवार ने, वो कभी नहीं उतार सकते। ऐसे हमारे सांसद हैं, हम बहुत ही अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। एक बार जोरदार पुनः तालियां बजाएं सांसद जी के लिए। हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष राजीव बब्बर जी, ये भी दिन रात ऑक्सीजन कैरी करवाने में लगे रहे, हरिद्वार से लेके और हिसार से लेके लोगों की सेवा में जो काम हमारे नेताओं ने किया, इसी वजह से हमारे कार्यकर्ता अपनी जान की बाजी लगाकर सड़कों पर खड़े रहे, लोगों की सेवा करते रहे। ये सब हमारी ऊपर की लाइन, जब जैसे काम करना स्टार्ट होती है ऐसे ही कार्यकर्ता उनके पीछे पीछे चलता है, ये सब दर्शाता है। सभी हमारे नेताओं ने अच्छा काम किया। एक बार राजीव जी के लिए भी तालियां बजाएं। हमारे मंडल के अध्यक्ष भाई जग्गी जी, प्याऊ वाले मशहूर हैं, सेवा में इनका भी कोई जवाब नहीं है, सेवा भाव से ही काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में भी इसीलिए जुड़े हैं कि सेवा का मौका यहाँ मिलता है। हमारे विकास त्यागी जी, श्वेता सैनी जी हमारी यहाँ की निगम पार्षदा, और रीटा ओब्राय जी, और यहाँ के प्रत्याशी हरीश ओब्राय जी, हमारे महामंत्री सियाल जी और सुमित गोयल जी, प्रेम शर्मा जी, सभी यहाँ पर कार्यकर्ता है। मैं ज्यादा, क्योंकि दो मिनट का समय मास्टर जी ने दिया है मुझे, तो मैं ज्यादा सबका नाम नहीं। अमित कहाँ है? अमित अरोड़ा, अमित दिखा नहीं मुझे। अमित जी, सभी का नाम ले सकता हूँ लेकिन समय कम है, इसलिए यहीं से स्टार्ट करता हूँ। आगे आपको सांसद जी का मार्गदर्शन मिलेगा, राजीव जी का मिलेगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जीत हमेशा कैंडिडेट की होती है, हार कार्यकर्ता की होती है। एक पार्टी श्रेष्ठ पार्टी बनकर हम चुनाव लड़े, तभी एक भारत श्रेष्ठ भारत बनेगा। हमें सबको अपने अपने क्षेत्र में चुनाव लड़ना है। हम चुनाव लड़वाने की मानसिकता से काम ना करें, चुनाव लड़ने की मानसिकता से जब हमने काम करना स्टार्ट कर दिया तो हमारे को कोई ताकत नहीं हरा सकती। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। मास्टर जी, दो मिनट। इस खास स्टोरी में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए वन न्यूज टीवी के साथ। नमस्कार।